Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्रेज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। नागिन 7 के आने में होगी देरी। दर्शक नागिन 7 को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, लेकिन अभी कलर्स पर शिव शक्ति और नीरजा जैसे शोज की शुरुआत हुई है। ये दोनों ही शो टीआरपी के मुताबिक ठीक ठाक चल रहे हैं। वहीं जल्द ही बिग बॉस 17 भी आने वाला है। ऐसे में नागिन 7 को लेकर मेकर्स ने कोई नई जानकारी शेयर नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी शो को आने में और वक्त लगेगा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। रुबीना दिलीप है प्रेग्नेंट। 4 महीने की प्रेगनेंसी को इसलिए रखा है छिपाकर। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक रुबीना दिलीप की प्रेगनेंसी की खबरें सच हैं। एक्ट्रेस इन दिनों प्रेग्नेंट है। खुद रुबीना दिलीप से जुड़े एक शख्स ने मीडिया से बातचीत में इस बात को कंफर्म किया है। सोर्स ने बताया है कि रुबीना की प्रेगनेंसी की खबरें सच्ची हैं। अभिनव शुक्ला जल्द ही फर्स्ट बेबी का वेलकम करेंगे। प्रेगनेंसी का 4th महीना है। अगले साल बच्चे का जन्म हो सकता है। कपल फिलहाल बहुत एक्साइटेड है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। केबीसी 15 को मिल गया अपना पहला करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति 15 इस सीजन के पहले करोड़पति तक पहुंच चुका है। पंजाब के जसकरण ने मुश्किल सवाल का जवाब दे 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं और अंतिम 7 करोड़ के प्रश्न तक पहुंचने वाले वो पहले कंटेस्टेंट बन चुके हैं। इसका प्रोमो सोनी टीवी ने अपने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के इंस्टाग्राम हैंडल ने गुरुवार नया प्रोमो भी पोस्ट किया है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। माँ की कलाई पर अंकिता लोखंडे ने बांधी राखी। वीडियो देख झल्ला पड़े फैंस। अंकिता लोखंडे ने राखी का वीडियो शेयर किया है। इस प्यारे से वीडियो में वो माँ को राखी बांधते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को देख कुछ यूजर्स बौखला गए हैं और ट्रोल कर रहे हैं। वो एक्ट्रेस को कोसने में लगे हैं कि उनके पिता को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और ये फैमिली ऐसे त्योहार क्यों मना रही है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। इमली शो की पुरानी लीड सुंबुल और मेघा को लेकर बोली अद्रिजा। अद्रिजा रॉय स्टार्स के शो इमली में नई लीड हीरोइन की भूमिका निभाने जा रही हैं। शो के नए ट्रैक में उनका नाम भी इमली है। वहीं अब शो की दोनों पुरानी लीड एक्ट्रेस सुमित्रा किरखान और मेघा चक्रवर्ती को लेकर अद्रिजा पहली बार बोली है। अद्रिजा ने इंटरव्यू में कहा, पहले सीजन में इमली के रूप में सुंबुल का किरदार खास था और इसी तरह दूसरे सीजन में मेघा का प्रदर्शन उल्लेखनीय था। दोनों किरदारों में अलग अलग गुण थे। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। कथा अनकही में आने वाला है 5 साल का लंबा लीप। खबरें सामने आई है कि सोनी टीवी के शो कथा अनकही में जल्द ही लंबा लीप आने वाला है। कहा जा रहा है कि इस 5 साल के लीप के साथ ही शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। टीवी का तड़का, सातवीं आखिरी टॉप न्यूज। प्रत्युषा मामले में कोर्ट ने राहुल राज सिंह को राहत देने से किया इनकार। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं इस मामले को लेकर मुंबई की एक अदालत ने प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज सिंह की आरोप मुक्त की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल द्वारा किए गए उत्पीड़न ने उन्हें आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रथम दृष्टता से स्पष्ट है कि राहुल द्वारा शारीरिक भावनात्मक वित्तीय उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई थी। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबरें।